जय राम जी किसान भाइयों, मेरा नाम पप्पू चौहान है। मैं गांव बरखेड़ा का रहने वाला हूँ। जो आप दिख रही होगा अभी हम काम कर रहे हैं, वो गौ की छटाई कर रहे हैं। इसकी छटाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दूसरी वैरायटी है जगह की तो बीज बगाड़ देता है, इसलिए ऊपर ऊपर की जो उम्मी होती है अलग, उनको छाट कर अलग रखना चाहिए। पर उम्मियाँ तोड़ बस कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है, उनसे फायदा ही है, क्योंकि उम्मीद थोड़ा खूब से खूब एक दो कट्टा निकलेगी, उनसे कितनो फायदा होगा कि अगले साल अगर गेहूँ बोगा आप तो जो भेजल डूब रहे हो बड़ी बड़ी उम्मीद आड़ू बाद में पकती है और हरी रहती है बहुत दिन तक, वो निकल जाएगी और पूरे गेहूँ की वैरायटी एक हो जाएगी, एक जैसे पूरे ही। अगर उन उम्मी को अपन नहीं काटेंगे तो अगले साल और कितना भेजल डा होगा उनसे, एक उम्मी में से कितने दाने निकलेंगे तो कितने और ज़्यादा बनाएंगे अगले साल, ऐसे हर साल बढ़ते जाएगा वो बेजल्टा। अगर नहीं तोड़ेंगे अपन उन उम्मी को तो अपना बीज खराब होगा, बीज खराब होगा अपन नया बीज लाएंगा तो कितना महंगा मिलेगा, कितने पैसे लगेंगे उनके, तो इसलिए इसी उम्मी को तोड़ तोड़ कर अलग रख दो और एक वैरायटी बना लो सभी गाँव की, तो वो अच्छा काम है, सबसे पैसा भी नहीं लग रहा। पहला मुबिन छाट तो उम्मिया उनसे कई होते हो गई, गऊ बच जाता बड़ा हो जाता, जो हवा चलती उनसे आड़ा पड़ जाता था तो अपने नुकसान हो उनसे। बोल। मैंने मेरे खेत में सभी गेहूं में छटाई कर रखी है और एक लेवल में गेहूं है मेरा देख लो आप, बिल्कुल भी एक भी नहीं तो आड़ा पड़िया न कुछ भी नहीं है, एक जैसी उम्मीद पूरे खेत में, क्योंकि मैंने इसमें छटाई कर रखी है और अभी छटाई चल भी रही मेरे एक खेत में। और छटाई से ये फायदा है, देखो आप एक भी गेहूँ आड़ा नहीं पड़िया, नहीं तो अधिकतर किसान भाई और के गेहूँ आड़ा पड़ जाते हवा में, क्योंकि बड़ा छोटा गेहूँ रहता नहीं तो बड़ा हवा से गिर जाता है, उनसे नीचे का दब के वो भी सो जाते हैं। किसान भाई नहीं सोच रहे होगा उनसे कोई फायदा नहीं है, अगर छाट के जो बोगा नहीं उड़ी है तो बेजल्टा वाला गेहूँ 100 क्विंटल निकल रहा होगा, अगर छटाई करके अगले साल बोया अपन ने तो 100 की जगह 120 क्विंटल निकलेगा। छटाई से बहुत फायदा होता है, लोग बाग नहीं सोचता होगा छटाई से कहीं नहीं हो, पर छटाई से उत्पादन भी अच्छा बढ़ता है और उसके बाद में एक जैसा रहता है पूरे ही, तो उनसे हवा में वो आड़ा भी नहीं पड़ता है, तो नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। सभी किसान भाइयों से मार तो यही खेबो है कि सभी छटाई करो, मुँह तो छटाई कर ही रही हो और मारे फायदे हो भी रही हो, मारे अगले साल 460 क्विंटल गेहूँ निकलिया था और छटाई करके अब के मैंने बोया गेहूँ निकालिया तो 490 क्विंटल निकलिया, एक वैरायटी गेहूँ था एक धारिया, वो तो वैरायटी से इतना फर्क पड़ता है, आप सभी छटाई करके ही बोए। बहुत साल से अपने यहाँ किसान भाई लोकवान और 47 गेहूँ बो रहे हैं, इनमें आजकल बहुत रोग आने लग गए हैं, तो इस वैरायटी को बदले सभी, क्योंकि इन गेहूँ को अपन बहुत ज़्यादा दिन से बो रहे हैं तो इसमें ज़्यादा रोग लगने लग गए हैं, नई वैरायटी बदले तो उनसे अपन को उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। हर खेत में छटाई करना जरूरी है किसान भाइयों, सभी किसान भाई मैं तो हर खेत में छटाई करता हूँ और आप भी करो, इसको आपको बहुत फायदा है। जय राम जी।